हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको चार ऐसी सिक्योरिटी सेटिंग्स बताऊंगा व्हाट्सएप की, जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। और आजकल बहुत ज्यादा व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, तो अगर आप ये चार सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में जान लें तो आप अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन का बता दूं। सबसे पहले आप जाएंगे व्हाट्सएप में और यहां से आप चले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप आ जाएंगे अकाउंट में। तो अकाउंट में जैसे ही आएंगे तीसरा ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अपने मोबाइल पर आपके नंबर से व्हाट्सएप ऑन करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले तो उसको वो कोड मालूम करना पड़ेगा जो कि आता है व्हाट्सएप की तरफ से। अगर वो कोड मालूम भी कर लेता है तो फिर भी उसको दूसरे स्टेप की वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी जो आप इस वक्त सेट करेंगे। इसके लिए क्या होता है, आप अनेबल करते हैं और यहाँ 6 नंबरों का कोड लगा देते हैं। जैसे मैं 1 ये लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आप इस तरह लिखेंगे, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर ईमेल एड्रेस आप देंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो वो टू स्टेप वेरिफिकेशन लग जाएगी। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये टू स्टेप वेरिफिकेशन अपने व्हाट्सएप पर जरूर लगा दें ताकि वो हैक होने से बच सके। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, वो ये है कि प्राइवेसी का खास ख्याल रखें। इसके अंदर देखिए, मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं, लास्ट सीन नोबडी, प्रोफाइल फोटो, जो आपका प्रोफाइल फोटो होता है उसको भी आप, अगर मिसाल के तौर पर अगर आप नोबडी नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम माई कॉन्टेक्ट कर दें। एवरीवन ना करें, मतलब पब्लिक इसको ना करें। हर चीज पब्लिक में चली जाएगी तो फिर वो हैक होने का खतरा होता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ग्रुप्स का खास ख्याल रखें। ग्रुप में देखें, यहाँ 3 ऑप्शन है, एवरीवन, माय कॉन्टेक्ट्स, एक्सेप्ट, जो भी है। तो देखिए, ये मेरे व्हाट्सएप में तो ये आ रहा है, लेकिन अक्सर जो मोबाइल होते हैं उनके व्हाट्सएप में यहाँ नोबडी आता है, तो आप इसको नोबडी कर दें। क्योंकि अक्सर ग्रुप्स में हैकर्स के ग्रुप्स होते हैं, वो आपको शामिल कर देते हैं, फिर आप उसमें से किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं कभी कभार, तो आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नोबडी का ऑप्शन आ रहा है तो आप वो सेलेक्ट कर दें, और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको यूं करके आपके जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग हैं आप सबको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद डन कर दें, ठीक है। तो ये सेटिंग भी आप जरूर कर लें। अच्छा, उसके बाद 2 सेटिंग्स हो गई। तीसरी सेटिंग एक और मैं आपको बता दूं, आप यहां से जाएंगे व्हाट्सएप वेब में, और अगर आप यहां पर देखेंगे लॉग आउट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका व्हाट्सएप कहीं किसी और जगह पर ऑन है। आप उसको डायरेक्ट लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कर दें, ये भी बहुत अच्छी सेटिंग है, आप इसका भी ख्याल रखें। चौथी सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं, जो वो ये है कि आप सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद चैट में जाएंगे, और यहाँ से ये जो चैट बैकअप है आप इसमें जाएंगे और यहाँ देखेंगे गूगल अकाउंट में अगर आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है तो सही है, अगर किसी और का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है तो फौरन हटाकर आप उसकी जगह अपना ईमेल एड्रेस लगा दें, ताकि आपका व्हाट्सएप, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि दूसरे के जीमेल में आपका जो बैकअप डेटा होता है वो चला जाता है और उसको सब मालूम हो जाता है। तो आप ये 4 सेटिंग जरूर कर लें ताकि आपका व्हाट्सएप हैक ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती हैं जिसमें मैं यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह की ट्रिक्स बताता हूँ, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।